कि आपका 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। अब हमें इसे प्रूफ करना है सर, तो हम क्या करते हैं सर, हम ले लेते हैं LHS वाले नंबर को। ठीक, तो 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री। ठीक, अब इसमें से आपको ऐसे डिग्री चूज करने हैं, यहाँ पे देखिए सभी के बीच में आपका क्या है सर, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे आपका क्या है मल्टीप्लाई साइन छिपा हुआ, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब ऐसे आप डिग्री को लेना है जिसको जोड़ने पे 90 डिग्री आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं अगर इस दोनों को अगर लेते हैं तो आपको जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है, देखे दो 3 8 11, 2 4 6 1 7 नहीं आ रहा सर। लेकिन यही चीज अगर हम लोग 48 और 42 को लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 8 10 हो जाएगा, 4 4 8 1 90 डिग्री। मतलब हमको क्या करना है, 48 वाले 42 को इजे रखना है, 23 और 67 को इजे रखना पड़ेगा। ठीक सर, तो चलिए क्या करते हैं कि 10 42 डिग्री, 10 48 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री, इसको ग्रुपिंग कर देंगे, एक जगह कर देते हैं। ठीक सर, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 10 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, एक जगह कर देते हैं। अब देखें यहाँ में से आपको किसी एक को चेंज, या तो आप इसको चेंज करें या तो आप इसको चेंज करें, इसमें से आप इसको चेंज करें या तो इसको चेंज करें, तो हम क्या करते हैं 48 को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे 10 48 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस अपोजिट एंगल लेना मतलब 42 डिग्री, और बाकी को वहाँ पे सेम लिख देंगे अगर को 10 42 डिग्री। अब चलिए यहाँ पे इसमें भी वही चीज़ करते हैं, 10 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। ठीक सर, अब देखिए 10 का उल्टा क्या होता है सर, आपका 10 का उल्टा होता है आपका कोट होता है सर, और कोट यहाँ पे क्या है सर 42 डिग्री। अब बाकी सेम उतार दें, 10 42 को सेम टू सेम उतार देना, इंटू 10 का उल्टा क्या होता है सर कोट, तो कोट उठा दिए, और यहाँ पे 67 डिग्री, तो 67, और यहाँ पे 10 67 डिग्री। ठीक है सर, अब देखिए एक फॉर्मूला जो होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10 का जो अपोजिट होता है सर वो कौन सी होता है सर, आपका 10 का अपोजिट आपका क्या होता है सर कोट होता है, कोट का अपोजिट 10 होता है, बशर्ते ये कब होगा सर, जब आपका एंगल क्या होगा सर मतलब सेम होगा। जैसे देखिए आप देखिए 10 का जो फॉर्मूला होता है सर वो पी बाई बी होता है, एंड कोट का फॉर्मूला क्या होता है सर बी बाई पी होता है। जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10 थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बाई बी इंटू बी बाई पी होता है, तो बी से बी कैंसिल, पी से पी कैंसिल। इट मीन्स क्या हो रहा है सर, अगर आपका 10 थीटा और कोट थीटा मल्टीप्लाई में है तो आपके जो वैल्यू होगी वो कितना देते हैं सर 1, बट कब, जब थीटा आपका दोनों का सेम होगा सर। ठीक है सर, तो आप देखें यहाँ पे आपका जो यहाँ पे थीटा हम लोग यूज कर रहे हैं वो भी क्या है सर आपका 42 डिग्री, यहाँ वाला भी 42 डिग्री, यहाँ 67 डिग्री, यहाँ पर भी 67 डिग्री, लेकिन दोनों क्या इंटू में, तो 10 और कोट जब इंटू में होगा तो ये हमको कितना वैल्यू देगा सर, यहाँ से 1 आ जाएगा इंटू, और यहाँ से भी 1, और जब 1 इंटू 1 होगा तो सर ये कितना आ जाएगा 1, और यही 1 हमको किसको प्रूफ करना है सर RHS, जो कि मेरे पास प्रूफ हो चुका है सर। तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंस कि LHS बराबर क्या हो गया सर RHS प्रूफ हो गया। ठीक, तो आप लोगों को ध्यान में ये क्वेश्चन में ये रखने हैं कि किन दो नंबरों को जोड़ने पे आपका 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तो उन्हीं नंबरों को हम लोग क्या करना है एक साथ करना है, और उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, तुरंत बना सकते हैं। ठीक है सर, अब अगर इसको शॉर्ट में बनाना है तुरंत, तो अब क्या करना है फटाक से देखें, 48 42 को 90 डिग्री होता है सर, मतलब ये दोनों को एक जगह रखेंगे, मतलब समझ जाना कि ये इंटू करके आपका 1 आ जाएगा, 10 23 67 डिग्री करके कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये आगा आपका दूसरा का पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम लोग सेकंड नंबर के क्वेश्चन के सेकंड। तो आई होप मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है आपका कि सेम ऐसी क्वेश्चन, कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री इक्वल टू क्या करना प्रूफ, आपको 0 प्रूफ करना है। ठीक सर, तो चले कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ करते हैं सर।
सॉल्यूशन कोस 38 डिग्री रहने देते हैं, इसको चेंज करते हैं, तो कोस माइनस 90 डिग्री, ओ सॉरी टेकिंग एल एच एस, यार मैंने तो भूल ही किया था, ये तो प्रूफ करने वाले, एल एच एस ले लेते हैं, तो कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक। चले तो कोस 38 डिग्री इंटू कोस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 38, ठीक सर। अब उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, तो कोस 38 डिग्री इंटू कोस का उल्टा क्या होता है सर, साइन, और थीटा मेरे पास कितना है सर 38 डिग्री, इसलिए 38 माइनस यहाँ पे साइन 38 डिग्री और ये कोस 38 डिग्री, ठीक। अब जैसे देखें आप ये दोनों आपको सेम दिख रहा है सर, कोस 38 डिग्री साइन 38 डिग्री, अब इसमें से कॉमन निकाल के बना सकते हैं, देखिए आप कोस 38 डिग्री दोनों जगह से कॉमन निकाल निकाल दिए, तो यहाँ पे क्या बच गया सर साइन 38 डिग्री और माइनस साइन 38 डिग्री। अब देखें दोनों सेम है और दोनों में क्या है सर बीच में माइनस है, तो आप इसको कर सकते हैं सर साइन 38 डिग्री माइनस 38 डिग्री इक्वल टू क्या है जीरो, एंड कोस 38 डिग्री इंटू जीरो बराबर आपका कितना हो जाएगा जीरो, जो आर एच एस के बराबर प्रूफ हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस सर, है कि नहीं।